प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1964 गुरुवार, पांचवें पेज के आदि में बात चल रही थी खून की नदी के बाद फिर घी की नदी आती है। कलयुग के बाद सतयुग आता है और कृष्ण की तो बात ही बिल्कुल न्यारी हो जाती है। एक तो बच्चा और फिर उनकी बैठ करके जैसे कि ग्लानी कर दी है। ये डराना फलाना करना उनकी तो बातें ही और कह देते हैं। फिर कह देते हैं उनको कि तू ज्ञान का सागर है। अरे वो तो कह भी नहीं सकेगा, बिल्कुल नहीं कह सकेगा। उन कृष्ण की तो ये महिमा है ही नहीं। किन कृष्ण की है? उन मना दूर कर दिया सतयुग वाला कृष्ण। देखो सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम, ये किसकी महिमा है? मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में कैसा उत्तम? जो मर्यादा रखने वालों में उत्तम है। अब बच्चा क्या मर्यादा रखेगा? बच्चे को कैसे सोलह कला संपूर्ण कहेंगे? अहिंसा परमो धर्म की बात बच्चे को कैसे लागू होगी? न स्थूल हिंसा की बात लागू होती है, न सूक्ष्म हिंसा की बात लागू होती है। और संपूर्ण निर्विकारी, अब बच्चा क्या संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण विकारी कहा जाएगा? बच्चे तो कलयुग में भी पैदा होते हैं तो निर्विकारी ही कहे जाते हैं। बच्चों को तो सदैव महात्मा कहते हैं। फिर संपूर्ण और अपूर्ण की क्या सवाल है? कोई पूछे ये किसकी महिमा है? ये बच्चे की तो महिमा नहीं की जाती है। महिमा हमेशा राजा रानी की जाती है। तो बरोबर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के लिए ये महिमा कहेंगे। कौन सी महिमा? सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो लक्ष्मी और नारायण को ले गए हैं सतयुग में और कृष्ण को ले आए हैं एकदम द्वापर में, कहाँ की बातें हैं? है शूटिंग के समय की बात। तो देखो कितनी बड़ी से बड़ी भूल हो गई है कि कृष्ण का जन्म, राधे का जन्म स्वयंवर के बाद सतयुग में है।
नहीं तो लक्ष्मी और नारायण की छोटेपन की कोई कहानी बताओ। सतयुग वाले की तो कहानी जरूर चाहिए ना। सीता और राम की भी कुछ न कुछ कहानी बताते हैं। कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी कहानी बताते हैं। दोनों की उल्टी सुल्टी कहानी। भला कोई तो सुल्टी कहानी सुनाओ जिन्होंने दुख न देखा हो। तो वो कहानी है सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण। उनकी कोई भी ग्लानी नहीं है। वो भी सतयुग आदि के नारायण। उनकी तो महिमा ही ये ज्ञाते हैं सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण। मंदिर में जाएंगे तो दोनों की जाकर की ये महिमा कहेंगे। सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म ऐसे ही कहेंगे ना। अहिंसा परमो धर्म बरोबर कहेंगे क्योंकि है ही सतयुग आदि के सूर्यवंशी राज्य। तो देखो सतयुग की महिमा चाहिए ना बरोबर। सतयुग की महिमा या सतयुग आदि की महिमा। ज्यादा महिमा कहाँ की है। आज में कहेंगे सोलह कला संपूर्ण। नहीं तो कृष्ण और राधे का नाम सुन करके मनुष्य मुझ जाते हैं। या तो कृष्ण राधे कहा तो तुम लोग चले जाते हो द्वापर में। श्री लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। क्योंकि शास्त्रों में भी लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में दिखाते हैं और बरोबर ये है भी नरसिंह नारायण बनने की कथा। नरसे प्रिंस कृष्ण बनने की कथा नहीं है या प्रिंसेस राधे बनने की कथा नहीं है। ये ऐसे नहीं कहते हैं कि नरसे कृष्ण बनने की कथा। ये तो है ही सत्यनारायण की कथा। सत्य का बोलबाला कब होता है, है? जहाँ सत्य ही सत्य की दुनिया हो वहाँ बोलबाला होता है या जहाँ सत्य का झूठ से टकराहट होती है वहाँ बोलबाला होता है। महिमा कहाँ की है। सत्य कृष्ण की कथा तो कहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं कहेंगे। क्योंकि द्वापर में कृष्ण आया
तो वो तो है ही द्वैतवादी युग, और द्वैतवादी युग की भी शुरुआत है सात्विक स्टेज है, वहां इतना झूठ कहां से आ जाएगा। और अगर सतयुगी कृष्ण की बात कहें तो वहां तो है ही सत्य ही सत्य, असत्य का नामो निशान भी नहीं होता है, तो वहां महिमा कैसे करेंगे। ये तो संगम की कृष्ण की कथा है, जो बाद में नरसिंह नारायण बनता है। जरूर झूठ से टकरा है और सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने कोई झूठ से टकराहट नहीं की। किसकी टक्कर हुई? झूठी दुनिया से सत्यनारायण की टक्कर हुई। तो अभी सत्य जो सच्चा बाबा है, जो ज्ञान का सागर है, वो ये कथा सुनाते हैं। नहीं तो सत्यनारायण कौन बनने वाला है ये कोई जानता ही नहीं। बाप ही आकर के सत्यनारायण का परिचय देते हैं। तो ये कौन सी कथा है? ये तो सारी सृष्टि की आदि मध्यंत की कथा। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। और उनकी कौन सी कथा? उनके 84 जन्मों की कथा। राधे कृष्ण की है वास्तव में उनकी, परंतु नहीं, ये है सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा में क्या होगा है? झूठी विषय वैतरणी नदी में बेड़ा पार होगा या बेड़ा डूबेगा? बेड़ा पार होता है, क्योंकि बरोबर अभी सच्चा बाप बैठ करके बच्चों को नरसिंह नारायण बनने की कथा सुनाते, क्योंकि ये राजयोग है। प्रजा योग नहीं है। उस राजयोग में फिर समझा जाता है कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो राजयोग सीख करके नरसिंह नारायण बनते हैं। तो नारायण बड़ा देखने में आता है ना, राज की बातें बड़ा समझेगा या छोटा समझेगा? अब इनकी कथा स्वयंवर जो हुआ, तो स्वयंवर से पहले कौन थे? स्वयंवर से पहले क्या उनका नाम लक्ष्मी नारायण था?
आज भी क्या परंपरा चली आ रही है, है? स्त्री का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता है, तो ये परंपरा कहां से आई? सृष्टि की आदि से ही ये परंपरा चली है। तो पूछा कि स्वयंवर से पहले क्या उनका नाम लक्ष्मी नारायण था या कोई दूसरा नाम था? तो दिखलाते हैं बरोबर राधे और कृष्ण, उनकी आपस में सगाई हुई।